आप देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज। पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I, Dr. Muhammad Jafar, upon do swear in the name of God, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman and Chief Executive Officer of the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, except as may be required for the due discharge of my duties as Chairman and Chief Executive Officer. Thank you, Shubhaya Bhavan. Election Authority, the Deputy Commissioner Mr. Kargil. I extend my sincere thanks to the Honorable Principal District and Session. Sir,
Salam Mısır. Oho, gidiyor. Nerede gidiyor? Çoğun yatağı, yanına gitsin. Gel buraya, hey! चलो जो बाहर आस्ते आस्ते बाकी बाहर चलो हो गया ना बस चलो ये दो सर करके वोट अपना वोट देके एक
थोड़ा बैठ जाओ, नीचे उतर जाओ। खुदाने आज तक उस पंख की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जिस हाकरगिल की सरजमीन से हुई है आप बखूबी जानते हैं। जून 2023 इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल में अलायंस हुई और उस वक्त दोनों पार्टियों ने मीडिया के जरिए आवाम तक ये बात पहुंचाई। ये अलायंस करगिल की तारीख में एक नई संगमील की बुनियाद रखने जा रही है और इस अलायंस के जरिए 2019 में बीजेपी और इसकी मेन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने जिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरी तारीख को बदल दी और इसके बाद हर जगह दंगोड़ा पीटा कि 2019 5 अगस्त के डिसीजन से लद्दाख जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हुई और लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और हर जगह अब बीजेपी का ही डंका बजेगा और हर जगह आपको बीजेपी ही बीजेपी और जाफरानी कलर ही जाफरानी कलर नजर आएगा। लेकिन ये करगिल के आदाम है जिन्होंने बीजेपी और उनके मेन ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को ये बता दी कि वो कुछ भी चाल चले, कुछ भी मनसूबा चला दे, अपनी सारी ताकत को मत लगा दे, करगिल के आवाम को अपनी चालों में अपनी साजिशों में लाने की। करगिल के आवाम इनके सारी चाल, इनकी सारी साजिश और इनके सारे हथियारों से अच्छी तरह से बाखबर है, उन्होंने भरपूर जवाब देगी और ये जवाब करगिल के आवाम ने 2023 के इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत के साथ करगिल अलायंस को 26 में से 22 सीट और जो इंडिपेंडेंट दो सीट आए हैं इन्होंने भी पूरी तरह से करगिल अलायंस को सपोर्ट करके यानी 36 में से 26 सीट देकर सारे लद्दाख में और सारे देश में क्लियर मैसेज दे दी और इसका नतीजा आज आपके सामने डॉक्टर अखंड जाफर विश्वकर में फिफ्थ एनएचडीसी काउंसिल के चेयरमैन की शक्ल में मुंतखब होकर आज आपके सामने है ये काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले लूंगा, मुझे अपने सरजमीन पर फख्र है और मुझे इस बात की फख्र है कि इस सरजमीन से इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत हुई और इसी इंडियन एयरलाइंस के INC के जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर राहुल जी यहां पे आए, उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेकंड टॉप मोस्ट लीडर यहां पे आए और उन्होंने खुलेआम बता दी कि हम करगिल अलायंस के साथ हैं और ये करगिल अलायंस सारी हिंदुस्तान को इंडिया अलायंस की एक सिर्फ पैगाम भेजेगी कि 2024 जो राहुल जी ने वादा किया था और इंशाअल्लाह हमें दिखाई दे रहा बीजेपी का सारे हिंदुस्तान से सफाया करने की शुरुआत करगिल से हो चुकी है और ये 2024 को सारे हिंदुस्तान से बीजेपी का सफाया होगा और उन सारे चीजों का सौदा करगिल के आवाम को जाती है। अगर करगिल के आवाम सपोर्ट नहीं करती, अगर करगिल के आवाम बीजेपी और इनके जितने भी साथी हैं उनके हक करने को नहीं समझती, साजिशों को नहीं समझती, तो आज ये नतीजा नहीं आता। इसलिए जो पटाखा सहरा है
आज जो कामयाबी का जश्न है, आज जो आपके सामने एक मुश्तरक चेयरमैन के जगह में मुंतखब होकर आया है कंटीन अलायंस की, ये आपकी बदौलत है। हमें अपने आवाम पर फख्र है और सारे क्रेडिट्स, इन सारे कामयाबियों का सेहरा हम अपने आवाम के सरमान से और सुलूक करते हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये करगिल अलायंस और मुंतखब चेयरमैन और उसके बाद जो मुंतखब होकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आएगी, वो बेहतरीन तरीके से करगिल की और आज डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो और बिलखसूस एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, सोशल सेक्टर, हर सेक्टर में एक नई जोश, एक नई उमंग और एक नई सोच, एक नई अप्रोच और एक नई विजन के साथ आगे बढ़े के छोटे छोटे मुश्किलात को दरकिनार करते हुए बड़े गोल को लेकर चलेंगे। और बड़ा गोल आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिस बड़े गोल के लिए पूरी लद्दाख के आवाम तन मन धन से केडीए और एपेक्स बॉडी के पीछे खड़ी है, उस गोल को अचीव करने में भी ये काउंसिल अपनी भरपूर ताकत दे देगी। मैं फिर एक बार नए मुंतखब चेयरमैन, डॉक्टर मुंतखब होने वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सारे काउंसिलर्स को दिल की अनेक गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सी सिंह जनाब आपन साहब, जनाब मेयर साहब जो कांग्रेस के वहां से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं, कमर अली आपन साहब है हमारे यहाँ, करबलाई साहब है कांग्रेस के बहुत दौड़ेदार बैट्समैन है, और हमारे जो फेरो साहब है सी सी है यहाँ पर बैठे हुए, आवाज साहब है, साहब है और हमारे आधा विकमा साहब है, हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के नागर साहब और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त नेशनल कांग्रेस के हनीफा जान साहब, और सबसे ज्यादा कारगिल के यहाँ जो आए हुए लोग हो, शामिल हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप समझे या न समझे, 2019 के बाद एक दिल टूट गया था कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे अपने कायद ने यहां भेजा है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब ने, सिर्फ इसलिए इनको मुबारकबाद देने के बजाय लोगों का शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि जिन्होंने अपने आपसी दबाव छोड़ के, पार्टियां छोड़ के सिर्फ कर्गिल का सोचा, कौन का सोचा। इसलिए आज मैं आप कर्गिल के यहां स्टेज से बैठ के कर्गिल के लोगों का अपनी तरफ से, अपने कायदे जनाब उमर अब्दुल्ला और जनाब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से शुक्रिया अदा करने आया हूं। आप माने या ना माने, 2019 में जो हमारे साथ किया भाजपा हुकूमत ने, उन्होंने सोचा था कारगिल और लद्दाख एक के यूटी ने, कारगिल लद्दाख को सारे रिजर्व को कहा जाता है, लेकिन अब बात पूरे मुल्क में या मुल्क से बाहर ये फैलाई गई है, लेह इज लद्दाख, लेह इज नॉट लद्दाख, लद्दाख इज कारगिल एंड लेह, वो मिल के फिर लद्दाख बन जाता है। और उन्होंने सोचा हम जम्मू कश्मीर से इसको अलग करके एक और हिस्सा बना देंगे ताकि इनका इस रियासत के साथ कोई वास्ता न रहे। लेकिन मेरे भाइयों, कारगिल के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने आज साबित कर दिया आप कागजों में हेर फेर कर सकते हैं, कागजों में नाम बदला सकते हैं, लेकिन दिलों को आपस में आप तोड़ नहीं सकते। हम एक दूसरे के दिल में बसे हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एक दूसरे के दिलों में बसे हुए, और ये दिल को आप तोड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कानून से बाहर जाके हमारे सिंबल को पहले खत्म करने की कोशिश की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना हो गया, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को बिल्कुल अलग थलग करना, लेकिन कर्गिल ने आज साबित करके दे दिया कि कर्गिल के लोगों ने कि हम जम्मू कश्मीर के साथ थे और साथ रहेंगे। मेरे बाबू दोस्तों,
आज पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैलाई जा रही है। आज कॉम्युनल बेसिस पे पॉलिटिक्स की जा रही है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जा रहा है, मुसलमान को ब्रिटिश के साथ लड़ाया जा रहा है, हिंदू को ब्रिटिश के साथ क्रिश्चियंस के साथ लड़ाया जा रहा है, और ये करके अपनी गति पर बैठना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को आज करगिल ने एक सबक दे दिया कि एक अलायंस बनाने के बाद बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त ये अलायंस जो है आगे बढ़ेगा और एक राह दिखाएगा पूरे मुल्क को, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को और यहाँ यूटी जो है लद्दाख को। ये आज आप देख रहे हैं, एक जमाने में लहर वाले टोल पीटते थे हमें यूटी दे दो यूटी दे दो। एक दिन मैंने पूछा था कि एक साहब का एमएलए साहब से जब यूटी मिली उनको, मैंने कहा बताओ तेरा क्या हाल है। कह रहा है जनाब हम कश्मीरियों को दबाने के लिए यूटी मांगते थे, कुछ पैसा लेने के लिए यूटी, हमको मत पता था यूटी में ये होता है। अगर हमें ये पता होता यूटी के बाद हमारी हालत ये हो जाएगी तो हम कभी यूटी की डिमांड नहीं करते। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट पे हम जो गए हैं, हमने केस लड़ा है, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट एक ऑनरेबल फैसला देगी और हकीकत पर मबनी फैसला देगी और इस रियासत को जो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है उसको खत्म करेगी, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर थे। बाद में आज बहुत बात करना नहीं चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि टाइम वक्त बहुत कम है, मुझे भी श्रीनगर बोलना है। मैं सिर्फ एक बार आप सबको, करगिल के लोगों को, माओ को, बहनों को, बच्चों को, हम पहाड़ी लोग हैं, हम पहाड़ में जो रहते हैं हम दिल के साफ होते हैं, हम जो बात मुंह पे करते हैं वो अंदर भी वही बात होती है, हम वो बातें नहीं करते, अंदर एक बात होगी मुंह पर दूसरी बात होगी, और हम थोड़ी देर लड़ते हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब कौन का मसला होता है तो हम एक हो जाते हैं। और आज हमने दिखा करके देख लिया कि पहाड़ी बेगैरत लोग नहीं है, हमारे में गैरत थे और गैरत से हम उन लोगों को शिकायत देंगे जो हमारे खिलाफ साजिश करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका, श्री साहब का, अपने करबलाई साहब का, फिरोज साहब का और यहाँ कमर साहब का और दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों का, गुलाम रसूल साहब का, इसकी तकदीरी में सुनता था बड़े जोरदार तकदीरी करता है आप सबका, और खासकर उस कमेटी का जो की मेगी बैठ के आपस में एक भाई भाई को अलग करने की कोशिश की गई और पार्टी पार्टी की तो बात ही नहीं थी, भाई भाई से अलग करने की कोशिश की गई, इस कमेटी ने बैठ के दोनों को मिला के कांग्रेस और नेशनल को आगे चलाया। और मुझे उम्मीद है कि यही राह जो है पूरा हिंदुस्तान देखेगा और फैसला करेगा 2024 में बीजेपी को भरपूर शिकस्त देके हिंदुस्तान से, दिल्ली की सरकार से बाहर कर देगा। बहुत बहुत फैसला लेने वालों को जमीनी सतह से वहां खबर आ रही है कि जो फैसले हमने इन लोगों को पूछे बगैर, इनकी राय के बगैर, जम्मू कश्मीर की असेंबली की राय के बगैर, जम्मू कश्मीर के किसी कैबिनेट के बगैर हमने फैसले वहां लिए और इनका रिवोल्ट होगा और लोग बुरी तरह उनको जवाब देंगे, उस डाके बारे एजेंडा उस खत्ते में चुनाव नहीं होने दे। ये चुनाव उन्होंने शायद इसलिए करने दिया था कि जैसे नजीर साहब ने, हमारे दूसरे साथियों ने बताया कि उन्होंने बाई बाई को तोड़ के अलग अलग करके जो गलत फहमियां पैदा करी थी या जो वो खुद गलत फहमी के शिकार थे कि शायद जम्मू और कश्मीर से लद्दाख काट के करगिल वालों को अलग करके, लेह वालों को अलग करके कुछ दूसरी खेल खेलेंगे, हम कोई दूसरा रंग यहां पर पैदा करेंगे। इस एक सैंपल जो बिस्मिल्ला के तौर पर इस करगिल में शुरू हुआ और लीडरों ने, यहां के आवाम ने, तमाम कार्डर के साथियों ने जो इसको बड़े कारवाया, जिसका रिजल्ट आपके सामने आया, 26 सीटों में 24 सीटें आपके इंडिया अलायंस के हक में आपने दिए, ये बहुत लैंडमार्क डिसीजन। और मैं आपको इत्तेफाक से बताऊं, जब रिजल्ट यहां निकल रहे थे, जब काउंटिंग का दिन था,
शायद आपको अपनी परेशानी उतना रुचि नहीं रहा होगा चुनाव के, आपको पता था क्या बात, मगर पूरे हिंदुस्तान के 30 रियासतों के रेडियो और मोदी के तमाम वो चैनल इस चुनाव पर नजर रखे हुए थे, एक एक सीट निकल निकल करके, और जश्न तो कारगिल में होना ही था, क्योंकि जश्न पूरे हिंदुस्तान में हुआ, केरला में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, आपके दूसरे रियासतों में हुआ, और वो इस आपके चुनाव की हिफाजत, और ये इसीलिए मैंने कहा कि साधारण चुनाव नहीं था, पहले भी आपने लड़े चुनाव, मगर ये चुनाव की इम्पोर्टेंस बहुत थी और इसको आपने कर दिखाया, और ये बिस्मिल्लाह है इस पूरे इंडिया अलायंस का, हम दुआ भी करेंगे और आने वाले दिनों में और ये तालमेल बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में 6 के 6 पार्लियामेंट सीटें इंडिया अलायंस के हाथ में जाए, और पूरे हिंदुस्तान में ये इंडिया अलायंस बहुत ईमानदारी सिंसियरिटी के साथ में काम करेगा, और 2024 के चुनाव में आप देखेंगे जिन लोगों ने हमारे से पूछे बगैर हमारे तकदीर के फैसले लिए, उनको यही इंडिया अलायंस उठा करके फेंक देगा और एक सेक्युलर अलायंस हिंदुस्तान में बरसरकार आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।